हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पाइपिंग निर्मन मैकेनिकल ज्ञान आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है हीट एक्सचेंजर कितने प्रकार का होता है फ्लो अरेंजमेंट के आधार पर हीट एक्सचेंजर कितने टाइप का होता है कोई भी हीट एक्सचेंजर में कौन सा फ्लूट नीचे से इन करेगा और कौन सा फ्लूट ऊपर से एंटर यानी प्रवेश करेगा ये कैसे डिसाइड होता है तो ये सब इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हीट एक्सचेंजर नाम से ही पता चल जा रहा है जो उष्मा या हीट को एक्सचेंज यानी कि बदलने का काम करता है हीट एक्सचेंजर एक ऐसा डिवाइस या इक्विपमेंट है जो हॉट फ्लूड को कोल्ड फ्लूड में या कोल्ड फ्लूड को हॉट फ्लूड में उष्मा हीट का ट्रांसफर करता है जिसका इन्वेस्टमेंट और रनिंग कॉस्ट कम होता है और हाई फीसेंसी के साथ उष्मा का ट्रांसफर करता है हीट एक्सचेंजर इज अ हीट ट्रांसफर डिवाइस आर इक्विपमेंट एनर्जी फ्रॉम हॉट फ्लू टू अ कोल्ड फ्लूड और कोल्ड फ्लू टू हॉट एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड रनिंग कॉस्ट आइए जानते हैं हीट एक्सचेंजर कितने प्रकार का होता है ऑयल एंड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में कंटक्शन के बेस पर हीट एक्सेंजर मुख्यतः चार प्रकार का होता है उसमें से पहला है प्लेट टाइप हीट एक्सेंजर ये है प्ले टाइप हीट एक्सेंजर इसमें अलग अलग प्लेट लगे होते हैं इसीलिए इसे प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर कहा जाता है दूसरा टाइप एक्सचेंजर है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर यह है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं जिससे नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें दो पाइप एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिससे दो फ्लूट का आपस में एनर्जी का ट्रांसफर होता है इसीलिए इसे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर कहा जाता है तीसरा टाइप एक्सचेंजर है एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर या फिन फैन के नाम से भी जानते हैं यह ज़्यादातर ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में यूज़ किया जाता है इसके ट्यूब में फिंस लगे होते हैं और फैन भी लगा होता है जिसका एक मीडियम एयर होता है जो एयर के द्वारा कूलिंग किया जाता है इसमें फिंस और फैन लगे होने के कारण इसे फिन फैन या एयर कूलर हीट एक्सचेंजर कहा जाता है चौथा है सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर ऑयल एंड गैस रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में सबसे ज्यादा सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर ही यूज किया जाता है सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में भी पांच प्रकार का हीट एक्सचेंजर होता है उसमें से पहला है फिक्स ट्यूब सीट हीट एक्सचेंजर जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं यह है फिक्सड ट्यूब सीट हीट एक्सचेंजर इसके दोनों साइड जो ट्यूब सीट लगा होता है वह सेल के साथ वेल्डेड होता है इसीलिए इसका ट्यूब बंडल बाहर नहीं निकाला जा सकता है ट्यूब सीट सेल के साथ फिक्स होता है इसलिए इसे फिक्स्ड ट्यूब सीट हीट एक्सचेंजर कहते हैं अब सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में दूसरा टाइप है यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर यह है यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर यह ट्यूब बंडल है इसमें लगे सभी ट्यूब्स का सेप यू टाइप का होता है इसीलिए इसे यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर कहा जाता है अब सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में तीसरा टाइप है फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर यह है फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर इसमें जो ट्यूब बंडल लगा होता है उसका डिजाइन स्टेट ट्यूब बंडल होता है लेकिन अलग से इसमें फ्लोटिंग हेड लगाया जाता है इसीलिए इसे फ्लोटिंग हेड टाइप हीट एक्सचेंजर कहा जाता है और सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में ही चौथा है केटल टाइप हीट एक्सचेंजर इसे रीबॉयलर भी कहा जाता है जिस प्रोसेस में टोटल लिक्विड वेफराइजेशन या फुली वेफराइजेशन चाहिए वहाँ पे केटल टाइप हीट यूज किया जाता है इसे प्राय ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में एफ यानी कि फीड गैस प्रिपरेशन यूनिट बीजी यानी कि वैक्यूम गैस ऑयल यूनिट सी यानी कि क्रूड डिस्टलेशन यूनिट इन सब यूनिट में केटल टाइप हीट को डिस्टलेशन कॉलम में यूज किया जाता है आइए जानते हैं सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में ही पांचवा है ब्रिज लॉक हीट एक्सचेंजर यह बहुत कम यूज किया जाता है इसे आयरल एंड गैस रिफाइनरी में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है एवं डेंजर और डर्टी सर्विस के लिए भी यूज किया जाता है यह डी और हाई प्रेशर यूनिट में यूज किया जाता है इंटरव्यू के दौरान जब भी आपसे पूछा जाए कि हीट एक्सचेंजर कितने प्रकार के होते हैं तो चार प्रकार का ही बताइए जो पीछे के वीडियो में मैं बताया हूँ तो चलिए रिपीट कर देता हूँ पहला है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर दूसरा है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर तीसरा है एयर एयरकूल हीट एक्सचेंजर या फिन फैन चौथा है सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर ये चार बताने के बाद बोलिए कि सर सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में भी पांच प्रकार का हीट एक्सचेंजर होता है जो अभी मैं पीछे की वीडियो में बताया हूँ अब जानते हैं फ्लो अरेंजमेंट के आधार पर हीट एक्सचेंजर कितने प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन फ्लो अरेंजमेंट तीन प्रकार के होते हैं पहला है पैरेलल फ्लो पैरेलल फ्लो में हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा जैसे इस हीट एक्सचेंजर में आप देख पा रहे हैं कोल्ड फ्लूड यहाँ से इन करेगा और यहाँ से आउट होगा और हॉट फ्लूड इसी हीट एक्सचेंजर में यहाँ से इन करेगा और यहां से आउट होगा और तो दोनों का फ्लो डायरेक्शन सेम रहेगा दूसरा है काउंटर करेंट फ्लो काउंटर करेंट फ्लो में हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उदाहरण के तौर पर देख लीजिए इस ही से इन कर रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है और कोल्ड फ्लूड यहाँ से इन करके यहाँ से आउट हो रहा है तो दोनों फ्लूड का कॉन्टेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है इसीलिए इसमें हीट ट्रांसफर प्रॉपर तरीके से होता है और इसकी इफिसियंसी सबसे अच्छी होती है अब तीसरा है क्रॉस फ्लो क्रॉस फ्लो में हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड एक दूसरे के क्रॉस यानि कि काटते हुए जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं यहाँ से कोल्ड फ्लूड इन होकर यहाँ से आउट होगा तो इसके जस्ट क्रॉस में ऊपर से हॉट फ्लूड आएगा और यहाँ से आउट होगा अभी तक जो भी हीट एक्सचेंजर के बारे में बताया हूँ वे सभी इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर हैं आइए अब जानते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो मैक्सिमम लोगों को डाउट होता है कि कोई भी हीट एक्सचेंजर में कौन सा फ्लूट नीचे से इन करेगा या घुसेगा और कौन सा फ्लूड ऊपर से एंटर यानी कि प्रवेश करेगा ये कैसे डिसाइड होता है तो ये है कि कोई भी फ्लूड जिसका कूलिंग हो रहा है ऊपर से घुसेगा मतलब कि हॉट फ्लूड ऊपर से घुसेगा और ठंडा होकर नीचे से निकल जाएगा और कोल्ड फ्लूड जिसका हीटिंग हो रहा है नीचे से घुसेगा और गर्म होकर ऊपर से बाहर निकल जाएगा ये एकदम स्टैंडर्ड है चाहे सेल साइड वाले फ्लूड को अगर गर्म होना रहता है तो नीचे से घुस ऊपर से निकलता ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेल साइड में ऊपर से घुसता है और ट्यूब साइड में नीचे से जिस फ्लूट को गर्म होना है यानी कि कोल्ड फ्लूट नीचे से इन करेगा और जिसको ठंडा होना है हॉट फ्लूट ऊपर से इन करेगा मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कि हीट एक्सचेंजर कितने टाइप के होते हैं